नमस्कार, मैं हूं यास्मी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब एक महीना बीत चुका है। न केवल बॉलीवुड हस्तियां बल्कि सभी क्षेत्रों के लोग उनकी मौत के बाद एक महीना पूरा होने पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने करियर में कई हिट बॉलीवुड फिल्में देने वाले सुशांत के जाने से एक्ट्रेस कृति सेनन काफी दुखी है। उन्होंने सुशांत को लेकर एक कविता लिखी जिसमें लिखा है कि और एक दोषी हंसी के बीच आगे बढ़ने का नाटक, लेकिन उस लड़की की आंखों ने वास्तविक आंसू बहाए और उसके सभी भ्रमों को तोड़ दिया। इस कविता को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। देखा जाए तो कृति लॉकडाउन के वक्त से ही कविताएं लिख रही हैं। कविता लिखने में उनकी रुचि बचपन से ही है, लेकिन सुशांत के लिए उन्होंने जो कविता लिखी है उसमें कुछ अलग सी बात है। उनकी लिखी इन दो लाइनों से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सुशांत को कितना मिस कर रही हैं। बताते चलें कि कृति सुशांत सिंह के काफी करीब थी और दोनों ने फिल्म राब्ता में साथ काम भी किया था। कहा जाता है कि एक समय में कृति और सुशांत सिंह रिलेशनशिप में भी रह चुके थे, लेकिन लोगों के सामने दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा दोस्ती का ही नाम दिया। सुशांत सिंह की मौत के बाद भी कृति ने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि मुझे पता है कि तुम्हारा तेज दिमाग तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बुरा दुश्मन था, लेकिन मैं ये जानकर टूट गई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा पल भी आया जिसमें तुम्हें जीने से ज़्यादा आसान मरना लगा। मेरे दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ चला गया और ये तुम्हें हमेशा जीवित रखेगा। सुशांत सिंह की मौत को एक महीने पूरे होने पर सिर्फ कृति ने ही उन्हें याद नहीं किया, बल्कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सुशांत की याद में दिया जलाया था, जिसकी तस्वीर उन्होंने बीते दिनों शेयर की थी। इसके अलावा उनकी र्यूमर गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल बदलकर सुशांत के साथ वाली तस्वीर लगाई थी। साथ ही अपना दुख जाहिर करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था। हालांकि सुशांत की मौत के बाद ये उनका पहला पोस्ट था जिसके चलते लोगों ने उनकी काफी आलोचना भी की थी। बहरहाल सुशांत सिंह के जाने से उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। उनके नज़र में अब भी सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, जिसका पता लगाने के लिए लोग फिलहाल CBI जांच की मांग कर रहे हैं।